नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए राजस्थान की आज की ताजा खबरें जान लेते हैं। और दोस्तों, आप राजस्थान समाचार पे नए आए तो उस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी खबर जान लेते हैं। क्या आपको भी वापस करनी पड़ेगी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें? जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है किसान भाइयों के लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए सरकार ने किसानों को काफी फायदा पहुँचाया है। जब से इस योजना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अभी तक इसमें 8 बार बदलाव हो चुके हैं। हाल ही में हुए बदलाव में योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसानों को ईकेवाईसी कराना जरूरी हो गया है। या दोस्तों, अगर आपने ईकेवाईसी नहीं करवाया है तो 31 मार्च तक ईकेवाईसी करवा ले, वरना आने वाली 11वीं किस्त का आपको फायदा नहीं मिलेगा। बाद में जो बदलाव हुए हैं इसमें, उसमें अपात्र किसानों से पैसों की वसूली की जानी है। बताया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कई ऐसे फर्जी और अपात्र किसान हैं जिन्होंने 2000 रुपए की कई किस्तें ले ली हैं। कहीं इनकम टैक्स अफेयर को भी किस्त मिल रही है तो कहीं परिवार के 2 जने 7 किस्त उठा रहे हैं। जबकि नियम यह है कि खेत भले ही दोनों के नाम हो लेकिन साथ रहते हैं तो किस्त भी किसी एक को ही मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी किसान सम्मान निधि के तहत पैसे उठाए हैं तो आप वापस जमा करा दीजिए, वरना आपको जेल भी हो सकती है। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट जान लेते हैं। बिजली बिल में 280 रुपए से 780 रुपए तक का फायदा होने वाला है। दिल्ली के केजरीवाल सरकार की तर्ज पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में बिजली के बिलों को माफ करने का ऐलान किया है। इसको लेकर लोगों में ये दिलचस्पी है कि आखिर उनके घरों पर आने वाला बिजली का बिल कितना कम होगा या पूरा माफ होने वाला है। जयपुर डिस्कॉम की ओर से मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को मूर्त रूप से देने के लिए जो प्रस्ताव फाइनेंस डिपार्टमेंट को भिजवाया है, उसे देखकर तो काफी हद तक पता चल जाएगा कि लोगों को इस घोषणा का कितना फायदा होने वाला है। डिस्कॉम की ओर से जो बिजली के बिलों में अनुदान देने का प्रस्ताव भिजवाया है उसमें उपभोक्ताओं को 780 रुपए तक का फायदा होगा। वहीं 50 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले लोगों को इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग के लिए 1 भी रुपया देना नहीं पड़ेगा, यानी ना तो उनका फिक्स चार्ज आएगा और ना ही किसी तरह का टैक्स या सेस देना होगा। जी दोस्तों, अगर आप 50 यूनिट से कम खर्च करते हैं तो आपको 1 भी रुपया बिजली का बिल नहीं देना है। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में 5 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं 1 अप्रैल से। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम दिया गया है। इस योजना में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा होगा, जिसमें सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज की सुविधाएं मिलेगी। 1 से लेकर 30 अप्रैल तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन होंगे और 1 मई से इस योजना का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट जानते हैं। कोरोना के बाद अब उल्टी दस्त व डेंगू ने मचाया हाहाकार। कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हुआ है और अब मौसमी बीमारियों ने जनता को घेरना शुरू कर दिया है। अलवर जिले के सबसे बड़े अस्पताल में रोजाना 2000 मरीज पहुंच रहे हैं, इनमें से अधिकतर उल्टी दस्त बुखार के हैं। डेंगू के मरीज भी अब बढ़ने लगे हैं, डेंगू से आप भी सावधान हो जाइए। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम बदल रहा है, अब आमजनों को मच्छरों से बचना है। डेंगू की चपेट में आने से मरीजों को अधिकतम मुश्किलें आती हैं। इसके साथ कोरोना से बचाव भी रखना है। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, संक्रमण कब बढ़ सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, आप सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। राजस्थान की आज की ताजा अपडेट। ऐसी ही अपडेट जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। और दोस्तों, आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।